झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के तरहसी पंचायत अंतर्गत अम्बेडकर चौक सुगी में बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई गई, जिसे लेकर तरहसी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी गोपाल प्रसाद और विभिन्न अन्य लोग पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर विधिवत माल्यार्पण किया और कैंडल मार्च जलाकर उनके प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर तरहसी के भावी मुखिया प्रत्याशी गोपाल प्रसाद ने कहा कि देश में एक समान सभी लोगों को लाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया और आज उसी संविधान के क्रियाकलाप पर गरीब गुरबा ऊंच नीच नहीं, सभी लोगों का एक ही कानून के तहत काम किया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा इसे बदलने की साजिश की जा रही है, जिससे उनके इस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। आज हम सब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो एक अधिवक्ता भी थे, उनके जयंती के अवसर पर हम लोग सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि देश बचाओ संविधान बचाओ का नारा भी दिया गया। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे संविधान निर्माता बाबा साहब का नारा भी लगाया। मौके पर गणेश साव चंद्र देव पासवान, रामदेव शाह, सुनील यादव, अशोक शाह सहित कई लोग मौजूद थे। जनसरम कन है तब चलिए हो गया। अब दो शब्द, हम अभी का जोगों के पूर्वजों को काफी शोषण किया गया, शोषण आज भी हो रहा है। जब पहले है उसके बाद भी हम लोग को शोषणकर्ता को हटा नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। क्या क्या आज जरूरी है हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ने का, वरना हमारे हक पर राजा वो बना रहता है और हम लोग सेवक बने रहते हैं। जबकि हम लोग वोट देकर सेवक चुनते हैं, लेकिन सेवक चुनने के बाद वो राजा बन जाता है और औरंगजेब की तरह शासन करता है। आज हम लोग का जो क्रॉस किया जा रहा है, क्रॉस किया जा रहा है, उसको हम लोग को लड़ाई लड़कर आजादी महसूस कराना है। और आज से हम पंचायत चुनाव के लिए, मुखिया पद के लिए चुनावी का घोषणा करते हैं कि आज से हम लोग मैदान में बड़े गार्जियन, बुजुर्ग गार्जियन सभी को आशीर्वाद लेने घर घर आएंगे। और आज संघ पूछकर आज शंखनाद करते हैं और चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। भारत माता की जय।